तापसी पन्नू आजा नेक्स्ट आई विल कॉल दिस मैन हु हैज बीन माय फ्रेंड फॉर सो लॉन्ग आई डोंट नो उसका स्विच कब पलटा वो किधर कैसे कैसा फिल्म बना के एकदम 3 साल पहले उसका स्विच पलटा बना हुआ शूटिंग मुक्का वास एंड मुल्क हैड रिलीज्ड एंड आई वाज लाइक यार अनुभव में फिल्म बनाई पता नहीं क्या कैसे 2 हफ्ते लगे मुझे जाके देखने में एंड आफ्टर दैट आई एम लाइक आई वॉन्ट टू बी अनुभव नेक्स्ट अनुभव सिन्हा प्लीज आदिल गए तो ऐसे बोल के लगा कि इसमें बात है शायद कुछ फिर वो रुक गई बात फिर तापसी वैसी स्मार्ट है गुड इन्वेस्टर तो उसने बोला ये पिक्चर अगर बनेगी तो मैं करूँगी उसके बाद रह गया थॉट दिमाग में फिर वो बीच बीच में लाइक हाउ इट हैपेंस थोड़ा थोड़ा पनपता रहा टिल इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर वन फेल्ट लाइक कि इसको लिखते फिर मृण्मयी मिली मृण्मयी आई हैड नोन शी वॉज थर्ड एडी ऑन थर्ड नो वो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर ऑन गुलाब गैंग विच आई प्रोड्यूस्ड तो सागर ने मुझे सागर द ईपी ऑफ द फिल्म ही टोल्ड मी कि मृण्मयी इज राइटिंग तो मैं मिला इससे और फिर वहाँ से हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखना शुरू किया देयर वाज गोइंग टू शूट आर्टिकल 15 और ये ना तो हम लोगों ने कुछ कई दिन बिताए आपस में बात करके कि क्या करना है क्या बनानी है क्या कहना है फिर मैं चला गया शूटिंग करने तो ये हर वीक में कुछ लिखती थी ऐसी नॉट अ स्क्रिप्ट लिखती थी फिर वो मुझे जो हमारा ब्रेक होता था वीकली उसकी पिछली रात भेज देती थी तो ब्रेक वाले दिन मैं पढ़ता था फिर उस दिन उससे 1 घंटे बात करता था सो एवरी ब्रेक डे दिस हैपेंड देन आई केम बैक देन आई गॉट बिजी अगेन एंड देन वी स्पोक मोर एंड देन वन डे शी गॉट वेरी एंग्री एंड शी वेंट एंड रोट लाइक 130 ऑड पेजेस एंड तो दैट दिस वाज अ स्क्रिप्ट दिस वाज अ फर्स्ट ड्राफ्ट एंड देन The office read it and most of them loved it. Some said कि ये picture क्यों बनानी है wrong है मतलब ऐसे इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर प्यार में तो बेकार है फिर तो शादी थी नहीं फिर तो प्यार था ही तो फिर मैं और मृण्मयी बैठे कि इसको कितना address करना है कि नहीं करना है थोड़ा हमने किया भी And then after a point, मैं और मृण्मयी different page पे चले गए I wanted the guy to be a good guy. और तापसी ऐसे अपना मृण्मयी ऐसे गंदे गंदे मुँह बनाती है जब उसको आइडिया पसंद नहीं आता तो हाँ मैंने पूरा मोन्टाज बनाया इसका फोटो शूट किया इसके शूटिंग पे तो एक गंदे गंदे मुँह बनाती है तो एक दिन मैंने बोला तू क्या करेगी तेरा हस्बैंड तेरे को मारेगा तो तू क्या माफ़ कर देगी तो बोली हाँ कर दूंगी That got me really alarmed. तो मैंने पूछा कि तो इसका मतलब जो कर रही है ये गलत कर रही है तो उसने कहा नहीं सो दैट बिकम्स अ सीन इन द फिल्म बिटवीन अमृता एंड नेत्रा एंड सो या फाइनली वी फाउंड दैट बैलेंस दैट हाउ गुड शुड विक्रम बी और नॉट एंड देन स्लोली इट बिकेम अ फिल्म अंटिल वन डे वी वर इन गोवा वी हैड गॉन टू गोवा टू राइट आई वाज फीलिंग रिच so we went to Goa to write and something happened. I remember I was lying down in my bed and she was sitting in the sofa and we were jamming and we were talking and suddenly I picked up her laptop and I ended up writing 6 pages or 5 or the opening credits. So 6, 7, 8 pages, whatever. So I said, read it. Now I'm waiting that she'll make a dirty face. So she reads it. Even while she's reading it, she's making a dirty face. And then she read it and she said, yes, excuse me. With that bad piece. It's very nice. So that actually gave birth to the multiple, I did not know that it was going to be a multiple track film. Until that day, we were doing a film about these two characters. That day, just the opening credits, the way you see them, those characters came into prominence. They existed. They came into prominence and that day it became a multiple track film. Yeah, that's the journey. Remember? इसमें से जो भी झूठ बोला बता दे. Two ideas. So this one really, really hit home. And even after about, so he told me, and I said I'll think about it. And then he got really busy with article.
But even about a month later, I couldn't stop thinking about, it's such a simple idea, why did I not think it first? So a long time went in feeling really, really jealous about it. But after I overcame the jealousy, I realized now this is going to be really tough to crack. Because it is a simple point. It is something all of us have thought about. It is something a lot of us have experienced. So how are we going to make a 2-hour long film about this one incident? That's how the process began for me. And like he correctly said, it was initially just Amrita and Vikram's narrative. And we always discussed that there should be other women, there should be their stories. But it hadn't come across as an ensemble until that point. And when he cracked the opening credits, I thought that was a really one stroke of brilliance actually, because that kind of led us into an ensemble while maintaining the spine of Amrita's narrative. And I think that... But we were also very worried for some time, remember? For a long time. Amrita ko thappad pada. And then you cut to the father, the mother, then you cut to the bhai, then you cut to Netra, and then you come back. So we were thinking that people just might get irritated. Na bhai usko thappad pada, I want to be with her. But somehow it worked out, I don't know how. Yeah, even in fact, at the edit also we had a lot of argument. Ke, you know, why are we cutting away to somebody else when we are in the thick of it? But I mean, that was very important to make sure that the thappad remains a catalyst and doesn't become the whole film. So I think that was something really brilliant that he cracked. So there's something that I felt, you know. I remember before you started this film, we were talking about world cinema, and we were talking about Faradi, and we were talking about so much. And there's so many traps one can fall into, right? This film doesn't have any of this cleverness. So I must tell you that when I was thinking of starting to shoot this film, so I called Kashyap and I said, Kashyap knew the idea, basic idea of the film. So I said, suggest me some films that are in the world, which I know mostly are Iranian. But then he sent me like 15 names, some Turkish, some Iranian. Yeah, but I'm not really, none of that clever, I think they're traps, you know, as a filmmaker. The magic of this film is, for me, this is my favorite Anubhav Sinha film. Like, this be, like, period. So, I think it's, this film does not fall into any of those traps. It does not become clever at any given time. It's very easy. This film could have gone into the courtroom and could have become the get. This film could have gone into an investigation, could have gone into that whole Faradi. It did not go anywhere. It stayed rooted, stayed Indian. It did not become clever. It got built around one basic, very simple, rational argument that whole lot of filmmakers kind of forget. We become very clever, you know, when we are writing. We know exactly how to make a very interesting scene and put out a very interesting argument and attract people. This film doesn't go any of those places. It just doesn't go. The most surprising thing was that sequence, the two sequences, because for me this film has two endings. One was the sequence between her and the mother-in-law, and one was the sequence between her and the husband. Right? Those things, those two scenes for me were like, her and mother-in-law scene came out of nowhere. It just came out of nowhere. And even when that scene was going on, I did not think this was the climax of the film, in a way. And then there was the scene in the court, outside the court. I'm saying, how did you save yourselves from falling into those traps? I don't think we ever knew this, no? I think we almost fell into those traps in the beginning, when we viewed all these Faradi movies and all. Then we almost went in for a courtroom drama, and then we made a conscious decision that if it becomes about courtroom, it doesn't remain about relationship anymore. And after that decision, we got the flow of the... We really did go into the whole courtroom drama, went into a lot of research, because then it became a divorce film. It did not remain about that incident and about those dynamics. So yes, we almost did fall into those. The pregnancy was a big point of discussion, though. Yeah, I think not just pregnancy. Many times in the film, you feel like when, say, for example, when she finds out she's pregnant, she's gone back to the husband. She's trying to tell him, and the way Vikram reacts to it, and he's like, "Tu smile kyun nahi kar rahi hai? Aisa kyun nahi ho raha hai?" And I'm like, "What are you trying to do as a filmmaker?
I'm saying suddenly you make this woman stand up for herself, and then again you make me look at her slightly differently, but she doesn't lose her ground, and you're not making it obvious, it's just so subtle. And again you go back there. So you've almost built it up that almost halfway through the film, I actually start feeling, isn't she being unreasonable? And then you slap me on my face and you shame me as a viewer. I'm saying this is a chance that I was taking all through the film, even through the writing. That's when Runmi and I would fight a lot of times. Yes, this was a chance. This is a chance that we took, that he will, you know, I was sometimes within a scene, I was making him do some really nice things. So like the first morning when he comes to not apologize, so I built it up in a manner that it feels like now today he'll say sorry and then let's see what she says. But the man goes and says, "Log kya soch rahe honge mere baare mein? And you hate him. Ki tere baare mein? Uski baat kar." So I tried to do this too many times in the film, and I'm so happy that none of that is irritating. I'll move from here and I'll come to Mr. Pannu. इस फिल्म में तो हमारे घुंघराले बाल भी नहीं है। हाँ, I swear. So, मतलब, what made you, what made this whole idea resonate with you? Let's go there. I've been saying this all throughout promotion, तो मैं सपने में भी बोल सकती हूँ। 3 out of 5 women go through it. Recently got to know 80% of women go through it. Reported, unreported मिला के, धक्के से लेके, थप्पड़ से लेके, full on मारपीट तक। तो अगर मैंने अपने घर में नहीं तो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या मेरे पड़ोसी के साथ तो हो ही रहा है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इससे इफेक्ट होने के लिए या इन्फ्लुएंस होने के लिए. सो इट वाज एज इजीली विजिबल अराउंड एज पॉसिबल. सो आई फेल्ट लाइक हम एड्रेस तो करते हैं काफ़ी फिल्मों में ये वाली चीज़, बड़ी सब लेयर में होती है, बट जो सामने हेड ऑन कोई डील नहीं कर रहा था. So when sir told me this idea, I had to jump on it, and I'm very good at मैं रुमाल की जगह खुद ही बैठ जाती हूँ पूरे आइडिया पे. So I did that कि मैं ही करूँगी ये, क्योंकि I had this thing in my head, कभी जो बाकी पिक्चरें आती हैं जो मेरी मुद्दों वाली होती है मैंने कभी सोची नहीं थी मेरे पास आएंगी, बट हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से थी. जिस दिन इतनी कैपेबिलिटी होगी कि एज एन एक्टर आई कैन लीड अ फिल्म, it would have been on this issue, and it so happened luckily it was him who came up with the idea, and it is he as a writer, because I've worked with him before in Mulk, I know the way he writes, I'm a huge fan of his dialogue, so I knew that this is in perfect hands. So it couldn't have been better ki ye mudda and mera aur ye mudda dono hum inke haath mein the, couldn't have been better. So yeah, I had to do it, there was no two way. I would have fought with him if he would have done it with someone else. But you didn't argue with him, sir. I argued a lot. You are very difficult to work with. No, I am very difficult to work with. Painful. I am extremely painful. I ask a lot of questions. That's why. हाँ, तो वो अलग सर, वो अलग किसी दिन discuss करेंगे. आज मेरा mood मत खराब करो आप. Yeah, but I do ask a lot of questions. Sorry, sir. So, Diya. Yes, sir. हाँ. I'm saying what resonated with you when you came onto the film? What is there not to resonate? Did he tell you the whole script, because he did not have the whole script before the shoot? No, I read the whole script before we went to shoot. Yeah. You said was it the same script that was shot? Seven days before I had to arrive on set, I got my full script, and that's the film you've made. I see some tweaks here and there which are beautiful. आज मैंने पहली बार देखी फिल्म, तो प्लीज थोड़ी सी तारीफ कर लेने दीजिए डायरेक्टर साहब की, क्या फिल्म बनाई है बॉस. बट दिस इज एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन एज वेल, ये बात खत्म कर रहे हैं लोग बॉस, एक मिनट. तुम 10 और कैश और थप्पड़ के बीच में चूज करना क्या चूज कर रहे हो? क्यों 10 कैश थप्पड़, मुझे 10 थप्पड़ और दे दो, और उन 10 थप्पड़ों में मुझे कुर्सी बना दो, हवा बना दो, पंखा बना दो, फर्श बना दो, मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए, जान हाजिर है. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट द फर्स्ट डे आई वेंट इनटू हिज ऑफिस, एंड हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर साहिबा हैं नंदिनी श्रीकांत, उन्होंने मुझे एक बहुत हेजिटेंट फोन कॉल किया कि दिया ये फिल्म बहुत अच्छी है और लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये मुझे पता नहीं तुम करोगी या नहीं,
लेकिन मुझे इंस्टिंक्टिवली एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे लग रहा है कि तुम ये करोगी. आई सेड फिल्म क्या है? शी सेड गो मीट अनुभव. तो मैं आ गई आपके ऑफिस आपसे मिलने. इन्होंने मुझे सिर्फ वन लाइन सुनाई. मैं फिदा हो गई. मैंने कहा कि ये तो कहानी बन रही है, ये इतनी बड़ी बात है, आप बना रहे हो, अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा यकीन बढ़ गया है आप में. नो बट मुल्क एंड आर्टिकल 15 की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, और जब इस कहानी का मुद्दा और इसकी जो बेसिक थीम थीमेटिक लाइन थी वो सुनी, आई वॉज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. इट डजेंट मैटर whether I am playing a mother of a 12-year-old or a 13-year-old, nothing matters. What matters is the fact that this story is being told. Sorry. And I stand by that. And I will, and I am so proud that Thappad is a part of my filmography. Thank you, Anu. So much pressure. How will you talk? I love you too. How will you I love this? You more right now. Tanvi ji, aap kaise hai aise villainous, like semi-villainous, mother-in-law, सेमी विलेनस मतलब बाद में अपने आप को रिडीम कर लेती है. अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. पूरा बोल चुको ना. हाँ सेमी विलेनस मदर इन लॉ क्या मतलब आप बाद में रिडीम करती हैं, काफी एंड में रिडीम करती हैं अपने आप को. अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ आपको ये रोल आपको क्यों करना था. ये रोल ये तो एंसेंबल ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं सब. हाँ. सारे इधर उधर से सबको अच्छा कलेक्शन करते हैं. और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जब अनुभव जी से मिलने गई थी तो सिर्फ सेमी विलेनस ही था मेरे पास, वो रिडीमिंग फैक्टर था ही नहीं. उसके बावजूद मुझे ज़रा डर था. ऐसे सर ये ग्राफ कुछ ठीक हो जाएगा ना बाद में, पर मैं फिल्म तो कर रही हूँ. इवन इफ आई एंड आई एम रियली 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 हैप्पी टू से टुडे इट वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ. Even if it was a passing shot in this film, I wanted to be part of this film. That's for sure. तो जब मैं अनुभव जी से मिली मैंने कहा वो जो भी आप सुना रहे हैं मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ, फिर आप देखना क्या करना है मेरे साथ फिल्म में. So he redeemed me in the end. Literally, it's an incredible ensemble. Yeah. The orange popsicle. Yeah, I was that, just coming to that. What's the story behind the orange popsicle? I take back all the other metaphors that I used. तो मुझे पंखा फर्श ये सब नहीं बनना है. मुझे आप अपनी हर फिल्म में वो ऑरेंज पॉप्सिकल बना दीजिए. नहीं बट मैं ऑरेंज पॉप्सिकल पे आना चाहता हूँ. ऑरेंज पॉप्सिकल क्या था वो मतलब जो हाँ मतलब वो ऑरेंज पॉप्सिकल क्या था वो मतलब ये मुझे लगता है कभी कभी ऑरेंज पॉप्सिकल अनुभव की फैंटेसी है. वो हाथ में भगवा लेके खाना चाहते हैं क्या है वो इश्क है मेरे लिए. इश्क इतना बेसिक होता है, इतना आसान होता है. इट्स लाइक एन ऑरेंज कैंडी. तो वो प्यार के लिए आप मर्सिडीज में हो सकते हैं, आप बाइक पे हो सकते हैं, बाइसिकल पे हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, बाकी और कुछ चाहिए नहीं. और इसीलिए वो धीरे धीरे सबके हाथ से वो गायब हो जाता है और अंत में सिर्फ दोनों बच्चों के पास रह जाता है. ये मेरा आइडिया था. मुझे लगा किसी को नोटिस नहीं होगा लेकिन हो गया सर. मेरा अपना पर्सनल किंक था. पावेल तेरे से बोलिए एक्सपीरियंस. पावेल का टेंशन ये कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. अब दिस इज लाइक वेल ही इज बीन अराउंड. यू हैव बीन अराउंड फॉर लाइक 10 इयर्स. आई हैव सीन यू फॉर 10 इयर्स. दिस लाइक योर फर्स्ट आउट देयर. यस. सो are you feeling nervous? Are you feeling nervous? Do you think that people will look at you as a bad guy or a good guy? Are you getting into that? Are you just proud of being part of this film that's so important? I am. What are you going through? So all of that combined. last year not that much, but anyways, obviously I'm super proud of this film. एक तो वो होता है ना कि स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती फिल्म करने के लिए. सो दिस फिल्म बिकेम लाइक कंपल्सरी टू मी दैट आई हैड टू डू इट.
And I'm glad that it was compulsory, because agar choice hoti to shayad main koi stupid decision leke agar na karta to that would have been really really stupid. And yeah, so I think I'm really really glad that this was my first, which I couldn't use my brain and just got into it. Incredible performance. So coming back to it, where to go from here? सीन बताना है वो जो सीन है ना जब ये उसको तापसी को लेने के लिए जाता है घर जाता है उसके तो उसको समझा रहा है कि मैंने कुछ मांगा मैंने कोई शर्त रखी अमृता फूडी हूँ मैं फूडी तो वो इतनी फनी लाइन है और इतनी गंदी लाइन है and when I wrote that line, तो I was so proud of it कि how ridiculous can you get and he was like कि बोला जब भी मैं वो लाइन बोलता हूँ मुझे हंसी आती है वो भी हंस रही थी हाँ जैसे मैं उसको बोलता था वो ऐसे स्माइल कर रही होती थी हम वो फूडी हूँ मैं फूडी किसी को कुछ भी पूछना राइट है जैसा कि सर ने भी आपसे पूछा कि इस फिल्म में आपके वो घुंघरालू बाल हमने मिस किया और आपने बताया घुंघराले और हमने देखा कि ढेरों सारी आप अपनी फिल्मों में आप ढेरों सारी से फाइट करती हैं बड़े बड़े टेररिस्ट को मार के गिरा देती है तो और क्या क्या मिस किया आपने इस अपनी फिल्मों में मार के गिराने के अलावा मैंने और घुंघराले बालों के अलावा मैंने क्या मिस किया इस फिल्म ने जो मुझे दिया है ना वो मुझे बहुत सारी फिल्में नहीं दे सकती और आई होप फ्राइडे के बाद भी मैं ये बात कहूँ सो आई डोंट थिंक आई मिस एनीथिंग बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज आप अभी तक एनजीओ थी अभी आप एक्ट्रेस हो गई कैसा लग रहा है एनजीओ थी अनुभव अनुभव भाई आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ हियर हियर अरे इधर सामने जब उसको थप्पड़ पड़ता है और जिस तरह से उसका पूरा एग्जिट है बेडरूम तक वो यू लगता है कि वो द्रौपदी का चीर हरण हो गया वो करो की सभा में ये सीन कैसे डेवलप हुआ क्या उस सीन के का बताना चाहिए भाई गॉड नहीं पता ऐसा वो सिंगल शॉट जो है जो वहां से चल के जाती है वो मुझे रात को वहां उस घर में हम लोग 11 दिन शूट कर रहे थे सो वो सिंगल शॉट करेंगे वो ख्याल एक रात को आया था तो सुबह सुबह मैंने फिर शौमिक है क्या इधर नहीं मैं अपने जो डीओपी है उसको मैंने बोला कि स्टडी कैम है ना अपने पास हाँ तो मैंने कहा वो एक सिंगल शॉट करते हैं एंड देन द होल कोरियोग्राफी ऑफ पीपल बिहाइंड हर स्टार्टिंग विद द सिस्टर इन लॉ देन द फादर मदर दिया ऑल ऑफ दिस मैं एक्चुअली बहुत इसमें ना एक ही फैसला किया था कि ईमानदारी से बनाऊंगा जो दिल कहेगा ना वो कर तो वो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स ये दे रहा है वो सब एक्चुअली शायद इस वजह से आए कि उसमें शानपत्ति नहीं कर रहे एक और चीज़ है मैं देखा मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन बारिंग द सीक्वेंस जब भाई जो है बहन से बात कर रहा है कि उसके साथ सॉर्ट आउट करो उस सीक्वेंस के अलावा रेस्ट ऑफ द फिल्म में ओटीएस शॉट नहीं है उस एक सीक्वेंस में है बस मतलब वो क्या है यहाँ तो वैसे भी टेक्निकल लोग हैं ना तो सेकेंड डे ऑफ द शूटिंग आई फिगर्ड कि ये पिक्चर नहीं उसके दो तीन दिन में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये बहुत डेंजरस पिक्चर है वर्बोस है और लोग सामने बैठ जाएंगे और बातें करेंगे और फिर ओवर शोल्डर लगेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगी फिल्म तो ये सेकेंड और थर्ड डे मैंने अपने लिए रूल बनाया कि मैं ओवर द शोल्डर शूट नहीं करूँगा दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रूम टू क्रिएट न्यू स्टेजिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट सीन वेन The first scene after the interval, जिसमें तापसी उसका भाई और उसकी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फियांसे तो ऐसा हुआ मैंने कहा तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ तो अचानक तापसी बोली कि मैं तो रुकूंगी नहीं इस कमरे में तो उसको मैं चली जाऊँगी तो हाँ तो मैंने कहा तो चली जा तो वो चली गई मैंने कहा कब कहाँ जाएगी तो बोली मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँगी मैंने कहा खड़ी हो जा तो सडनली यू नो द होल मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई जस्ट लेट देम बी And I think that's the cleverest thing I did, to not be clever. I just went, they were emoting and I was covering it actually.